हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप फिफ्टी फुल फॉर्म्स यानी कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले पचास ऐसे फुल फॉर्म पढ़ेंगे जो मैक्सिमम आपको याद होने चाहिए और हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हम पहला फुल फॉर्म स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू से इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब अधिकतर जगह पे ये पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब दूसरा है रैम कंप्यूटर का सबसे पूछा जाने अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रैम तो इसे बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एसेस मेमोरी सेकेंड के बाद से थर्ड नंबर पे है सिम सीम का फुल फॉर्म आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नेक्स्ट है आपका ए एल यू इसका पीडीएफ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के, के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको लिख के भी अपने आप से नोट बना सकते हैं क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है तो आप लिख के नोट बनाए वो बेटर होता है तो ए एल यू का जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है याद रखेंगे ए एल जी ओ एल का जो फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो है ए एस सी आई आई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें याद रखेंगे हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड पड़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है बिगनर्स ऑल परपज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का ये फुल फॉर्म है बी सी डी बी सी डी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल बाइनरी कोडेड डेसिमल बी आई ओ एस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम देखिए इसके नाम से भी आप कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं एक बार अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा बी आई ओ एस क्या था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ठीक है आगे देखेंगे इसी तरीके से अगला फुल फॉर्म आपका है सी पी यू ये भी बहुत बार पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके बाद से आता है कैड सी डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये जो आप देख रहे हैं सब टॉप टॉप मोस्ट हैं यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है अगला है कैम सी एम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट आपका है कैट स्कैन कैट स्कैन का फुल फॉर्म है कम्प्यूटराइज एक्सीयल ट्रोमोग्राफी स्कैन कंप्यूटराइज एक्सीयल ट्रोमोग्राफी स्कैन ये कैट स्कैन का फुल फॉर्म है नेक्स्ट है कोबोल कोबोल को बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये भी पूछा जाता है अधिकतर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे अच्छे से देख लेंगे कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट चलेंगे अगला है आपका सी डी सी डी सबको पता इसे है इसे हम क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क सी डॉक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक सी डॉक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज सी ओ एम एल कोमल इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ठीक है नेक्स्ट आपका है डी ओ एस डॉस बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डी ओ एस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डी टी एस का फुल फॉर्म क्या है आपका डेस्क टॉप सिस्टम डेस्क टॉप सिस्टम ऐसे ही डी टी पी डी एस टी जिस प्रकार से डेस्क टॉप सिस्टम उसी प्रकार से डी टी पी यानी डेस्क टॉप पब्लिशिंग डेस्क टॉप पब्लिसिंग यहाँ पर सिर्फ डेस्क टॉप है पब्लिशिंग ठीक है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ई e कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है ई e मतलब इलेक्ट्रिक कॉमर्स तो है ही है आपका अगला जो आपका ई मेल देखिए ई मेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ई e मेल का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल एन ई एक प्रकार का कंप्यूटर था और इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इंट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एन का पूरा नाम था फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है फैसीमाइल ऑटोमेटिक एरर्स होता है फैसीमाइल ऑटोमेटेड एरर्स होता है अगला देखेंगे अगला जो आपका है फ्लॉप्स एफ एल ओ पी एस फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड एफ मतलब हो गया फ्लोटिंग एल एलमिन हो गया ऑपरेशन पर सेकेंड तो ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर में यूज होता है फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन अगला आपका है अगला देखेंगे एच एल एल एच एल है हाई लेवल लैंग्वेज एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज एक दूसरा भी यूज होता है एल 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 तो उसे पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज लेकिन यहाँ पे एच एल एल है तो हाई लेवल लैंग्वेज होगा फिर है एच टी एम एल हाईपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या है हाई टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट है आई बी एम आई बी एम क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनेशनल बी बीम बिजनेस एम इन्स मशीन आई सी का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट फिर अगला आप देखेंगे आई एस एच इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई एस एच क्या है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे अगला आपका लैन तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे लैन का आप पूछता है अक्सर तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसे अगला आप देखेंगे अगला है एल डी यू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट एल डी यू होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट फिर एल आई एस पी लिस्ट बोलेंगे लिस्ट प्रोसेसिंग एल आई एस पी का फुल फॉर्म होगा लिस्ट प्रोसेसिंग देखिए अभी मैं एच एल एल बताया हूँ हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ आ गया एल 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 तो एल एल का मतलब हो गया लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज एम आई सी आर एम आई सी आर ये होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर ये एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है इसी प्रकार से अब आएंगे अगले फुल फॉर्म्स पे फिफ्टी से भी ज़्यादा इसमें फुल फॉर्म है लेकिन टॉप फिफ्टी जो ऑलमोस्ट आपके पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से देखना है आपको एम आई पी एस एम आई पी एस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एम आई पी एस होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एम ओ पी एस मिलियंस ऑफ ऑपरेशन सिर्फ आई बदला है आई की जगह पर ओ आ गया है तो याद रखेंगे आई रहेगा तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होगा वही जब एम ओ पी एस होगा तो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड हो जाएगा फिर है मोडम ये भी बहुत पूछता है तो मॉडूलेटर डिमोडलेटर मॉडूलेटर और डी मोडूलेटर मोडम का फुल फॉर्म होता है एम पी यू एम पी यू का फुल फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एम का क्या है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ठीक है आगे चलेंगे अगला आपका है एन आई सी एन ई टी निक निक नेट अगर पढ़ते हैं निक नेट का जो फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क नेटवर्क का जो शॉर्ट फॉर्म होता है एन होता है एन मतलब हो गया नेशनल आई से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और एन आप समझ गए नेटवर्क यानी नेशनल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एन आई सी एन ई टी निक नेट का फुल फॉर्म ओ एम आर ओ एम आर आप सीट बार बार सुनते होंगे एग्जाम भी देते होंगे तो उसमें ओ एम आर सीट मिलता है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर ओ OEM एम का ओ एम आर का ये फुल फॉर्म है तो ये भी आप इम्पोर्टेंट में कर लेंगे ओ एम आर ओ एम आर क्या है ऑप्टिकल मार्क रीडर नेक्स्ट आपका पी सी डॉड पी सी डॉट पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ये डी ओ एस होगा पी सी डॉस पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ठीक है आगे चलेंगे अगला आपका है प्रोम प्रोम तो प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी आर ओ एम का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी से प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्रामेबल यहाँ पे है और आर से रीड ओ से वनली मेमोरी यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीड वनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है रीड वनली मेमोरी अगला है स्नोबॉल एस एन ओ बी ओ एल स्नोबॉल पढ़ेंगे स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज स्नोबॉल का मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है तो ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर के टॉप मोस्ट हैं फिर है यू पी एस यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई यू पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिटरप्टिड पावर सप्लाई फिर आ गया है बीडीएस वी डी एस का फुल फॉर्म याद रखेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे वर्ड से भी कुछ कुछ चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा आइडिया लग जाएगा भी एल एस आई इसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटरप्टेड वेरी लार्ज स्केल इंटरप्टेड ठीक है अगला है आपका और लास्ट है वैन वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क तो आई होप आपको ये सारे फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें कि अधिक बच्चों तक पहुँच सके तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू